दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन गेम में होने वाले लॉस की, जो कि उनके एरर्स के कारण हो जाते हैं। ये मोस्टली सभी गेमों में ऐसा हो ही जाता है, और हर गेम में कोई कुछ ना कुछ एरर रहते हैं। ऑनलाइन गेम है तो उसमें आपके एरर के कारण, अगर आप गेम प्लेइंग के टाइम आपका एरर आता है, आपकी गेम स्टक हो जाती है, तो जो पैसा उसमें गेम में लगा होता है वो फंस जाता है, और जो उस गेम में लॉस होता है वो तो आपको कभी भी कंपनी पे नहीं करेगी। जो हाँ, जो बाकी फंस गया है वो आपको शायद पे कर दे तो कर दे, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मेरा दूसरी सेकंड टाइम सेम डे में हुआ है, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे पता नहीं हुआ था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। सेकंड टाइम मैंने जैसे ये होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसे रिकॉर्डिंग में लगा दिया, ताकि मैं औरों को भी बता सकूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे इसमें 10,500 मतलब ऐड था, और उसमें गेम में मैंने ऐड किया हुआ था। ये गेम में प्ले कर रहा था जिसमें हम मधु कुमार कुछ करके और नरधव, हम तीन और थर्ड में हम तीनों बचे थे, बाकी सब ड्रॉप कर चुके थे। और ये मधु से गेम स्टक होने स्टार्ट हुई थी, जबकि मधु से स्टार्ट हुई थी तो पहले इनका ड्रॉप होना था मधु का, सेकंड टाइम नरधव का भी अटक गया था। तीनों की गेम हमारी स्टक हो गई थी, लेकिन एक बारी तो मधु का हुआ, सेकंड टाइम में मधु का किसी कारण गेम चल रही थी तो उन्होंने एक पत्ता उठा के 10 नंबर फेंक दिया था। बाकी हमारा नरधव और मेरा सेम स्टक रहा, ऐसे करते करते फिर हमारी स्टक हो गई। अब इस पोजीशन में तो मधु तो बच गए ड्रॉप होने से, बाकी हम दोनों फंस गए। जो हमारा ड्रॉप हुआ 40 पॉइंट्स का, वो शायद कंपनी वापस करे ना करे, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि देख सकते हैं इसमें मधु जीत गए हैं विनिंग बाकी ड्रॉप से। ये कुछ नहीं, गेम एरर है इसके अंदर, उन्होंने इसमें गेम अटक गई, उन्होंने शो भी नहीं किया कि मधु कितना जीते कितना नहीं, और गेम इसमें अटकी रह गई, और ये अभी भी स्टिल ऐसे अटकी हुई है। मेरा पैसा अभी भी इसमें अटका हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैंने मेल डाल दी है। ये मोस्टली इसमें गेमों में हो ही जाता है, जब आप इसमें थोड़ा ट्रिक प्ले करने की कोशिश करते हैं या वैसे, ये गेम स्टक हो जाती है, क्योंकि ये गेम नहीं चाहती कि आप इसमें ट्रिक प्ले करें। आप नॉर्मली जैसे खेलते हैं वैसे खेलो और हारते जाए। अगर आप ट्रिक से खेलते हैं तो कभी कभार इसमें स्टक हो जाती है। आप नोटिस करेंगे, अगर आप खेल रहे हैं, जैसे आपने एक गेम खेली उसमें एक ड्रॉप कर दिया, फिर आप सेकंड गेम में बार बार इंटर करने की कोशिश करते हैं, तो सेकंड जो ऑलरेडी प्रीवियस गेम है वो आपको परेशान करती रहती है इस गेम में। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे इसमें पैसा फंस चुका है। मैंने इसमें कोशिश की बार बार इसमें लॉगिन करके चेक करूँ, शायद मेरा नेटवर्क इशू है, तो मैंने वाईफाई से भी कनेक्ट करके देखा, उसके बाद अपने मोबाइल नेट से भी कनेक्ट करके देखा, दोनों तरफ से करके देखा। इसलिए इसके रिगार्डिंग मैंने ये भी चेक किया, हो सकता है कुछ लोग कह दे कि आपका नेट ही नहीं चल रहा था तो इसलिए आपकी गेम अटक गई। मैंने इसलिए यूट्यूब भी इसमें प्ले करके देखा, मैंने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब में देखा तो मेरा यूट्यूब चल रहा था, तो फिर मुझे कन्फर्म था कि ये गेम में ही एरर है, क्योंकि अगर वैसे भी गेम में एरर साफ दिख रहा है, क्योंकि हम दो तीनों पर्सन की गेम अटक गई थी, हमारी अकेले की हम तीनों की गेम अटक गई थी, और तीनों की गेम आप देख सकते हैं तीनों कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जब नेटवर्क इशू होता है तो ये सिर्फ टाइमर भी शो नहीं करता, आपकी गेम अटकी भी दिखाता है, जो आपका टाइमर चल रहा है दूसरे गेम दूसरे प्लेयर की गेम चाल भी आपको नहीं दिखेगी, वो गेम स्टक हो जाती है उसी टाइम। उसी कारण आज मेरी दूसरी टाइम गेम स्टक हुई है। इससे पहले मेरा 6,000 कुछ का अमाउंट फंस गया था, मुझे लगा चलो वो तो उन्होंने मेरे मेल डाला हुआ था, उन्होंने कह दिया 12 घंटे में आपका रिफंड हो जाएगा, वो मोस्टली कर भी देते हैं। एक बार मेरा पहले भी ऐसे ही पैसा अटका था, मैंने ऐड किया था तो नहीं आया था, मैंने मेल डाला था तो उन्होंने वापस कर दिया था, तो मेरे को लगा अब दोबारा नहीं होगा तो मैं जो लॉस कवर कर लूँ, इसलिए मैंने गेम दोबारा प्ले किया। लेकिन दोबारा जब मैंने गेम प्ले करने की कोशिश करी है तो उसमें दोबारा सेम एरर आ गया, मैं दोबारा पैसा अटक गया। इस टाइम मैंने समझदारी दिखा के अपनी गेम रिकॉर्ड कर ली, ताकि कल को मैं कंपनी पे भी कुछ केस करना चाहूँ तो कर सकूँ। वैसे तो क्या ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर कोई केस लेना नहीं चाहेगी, इसलिए वो पहले से पहले पैसा रिफंड कर देगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि आप अगर सावधान खेलें तो सावधानी से खेलें, और आप सोच समझ के खेलें। जब आपको लग रहा है गेम में कोई दिक्कत आ रही है तो ना ही खेलें, गेम को बंद कर दें। जब गेम में थोड़ा सा भी आपको एरर लग रहा है या आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो ना खेलें। हर गेम में यही रहता है, अगर आपको थोड़ा सा भी एरर आ रहा होता है तो आपका पैसा अटक जाता है, और अगर एक गेम प्लेइंग के टाइम अगर गेम आपकी अटक जाती है तो जो भी उसमें लॉस आता है वो आपको कभी कंपनी पे नहीं करेगी, उसका बैलेंस आपको जो पे कर देगी जो गेम लॉस होने के बाद बचता है वो तो आपको पे करेगी करेगी, लेकिन जो आपके गेम लॉस हो रहा है वो आपको पे नहीं करेगी। इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी साइबर क्राइम में जा सकते ना कुछ, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं कहती आप ऑनलाइन ऐसी गेमें खेलें। अगर आप जाओगे भी तो 2-4 हज़ार के लिए, उसके लिए आपको फिर अपनी बदनामी का भी सोचना पड़ेगा। कल को आपके पास आके पूछेंगे, आपके फैमिली भी पता लग सकता है कि आप ऐसे ऐसे गेम के कारण आपके पैसे फंसे हैं, तो उसी कारण शर्म के मारे भी नहीं जाएंगे कि ताकि आपकी फैमिली को भी ना पता चले। तो आप मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर गेम खेलते हैं कोई सी भी ऑनलाइन गेम है, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो ना खेलें,
न्यू यूज़र अगर आप खेल रहे हैं तो ना खेलें, अगर खेलना भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक रुपये पॉइंट वाली गेम खेलें, और आप टारगेट ले लें कि आपको सिर्फ 100-150 रुपये ही खेलने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें आप जो भी जीतते हैं जो भी हारते हैं तो हार जाए, क्योंकि आप अगर लॉस होना हुआ तो आप उसमें कवरिंग के चक्कर में आप और हारते जाएंगे, लाखों रुपये कब हार देंगे आपको पता नहीं चलेगा, उसमें आप परेशान हो जाएंगे। सब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे करते हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे ही करते हैं, 30% होते हैं जो हारने के बाद भी फिर गेम खेलना बंद कर देते हैं।